गुड एवरीवन, गुड एवरीवन सर, मैं सर सुमित प्रताप सिंह फ्रॉम बरेली एमबीबीएस बैच 2021। मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगा जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, मेरे साथ ही घटित हुई। मेरे तीन दोस्त थे, अभी भी हैं। ये मेरे को रात के 12 बजे कॉल करते हैं, भाई ट्रिप पे चलना है, आ जा। हम पहुंचते हैं इनके रूम में और वहां चारों भाई बैठकर प्लान करते हैं कि ट्रिप पर चलना है। मैंने पूछा, भाई खर्चा कितना आएगा? बोलते कुछ नहीं भाई, आना जाना फ्री है, 400-500 निपट जाएंगे। मैंने कहा, भाई ऐसी कौन सी ट्रिप है, तुम कहां जा रहे हो, जाओगे कैसे? बोले, बोल तू सब छोड़, बस तू इतना करना कि हम सबको सुबह 4 बजे उठा देना। ये कहकर ये ऐसे सो जाते हैं जैसे कुंभकर्ण के सगे भाई। सुबह 4 बजे मैं इनको उठाता हूँ, एक के रूम में पहुंचता हूँ, भाई उठ। वो बोलता है, क्या हुआ भाई, बिरयानी उठ रही है? मैंने कहा, नहीं भाई, ट्रिप पे चलना था। बोला, ट्रिप पे? ओ चलो चलो चलो। इन्होंने 5 हॉस्टल में ही बजा दिए और ट्रेन थी 5:22 की। अब हम चारों भाई सैफई की सड़कों पे जा रहे हैं पैदल, बैग को ऐसे पकड़ के। तभी देखते हैं एक भाई साहब यहाँ गेट नंबर 1 पर अपने कॉलेज के दीवार पर चढ़े हुए धार मार रहे हैं और नीचे उनके खड़ा है सांड। अब वो हमसे बोलते हैं, ओ भैया जरा इस सांड को हटा देना। अब हम में से तीनों एक साथ बोलते हैं, भैया हम जल्दी नहीं जा, थोड़ा हम सांड को नहीं हटा सकते। अब हम चारों भाई भागते जा रहे हैं। फिर हमको एहसास हुआ कि पैदल तो नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसे ऑटो पकड़ लेते हैं। 10 कदम आगे पहुंचते हैं, एक ऑटो दिखता है, ऑटो का ड्राइवर गायब था। अब वहां पर आवाज लगाई हम लोगों ने, अरे ऑटो वाले भैया। तो हम क्या देखते हैं, वो भाई साहब जो ऊपर धार मार रहे थे, दूर से चिल्लाते हैं, भैया आ रहा हूं, सांड तो हमने भगाया नहीं। हम चारों को ये सोचने में एक भी मिनट नहीं लगा कि अब भाई साहब यहां से दौड़ लो। अब सुबह सुबह अभी रात तो होती है काफी, तो पहुंच जाते हैं हाईवे पर यहाँ से रहिए। अब धीरे धीरे पहुंचते बच गए 5:20, ट्रेन थोड़ा लेट थी। सैठई का रेलवे स्टेशन, एक भी कर्मचारी नहीं है, ना ही सिंगल लाइट है वहां पर। हम चारों लोगों के अलावा प्राणी के नाम पर वहां 6-7 कुत्ते और टहल रहे थे। मैंने मन में सोचा, ये आज मुझे लुटवा के रहेंगे और खुद भी लुटेंगे। कोई नहीं, थोड़ी देर में ट्रेन आई और हम चारों बैठे बिना टिकट के। इटावा से आगे निकले, इटावा तक तो पहुंच गए ठीक से। इटावा से आगे निकले, टीटी आ गए। टीटी ने कहा, टिकट? अब टिकट ही नहीं है। अब इनमें से एक भाई उठा, बोला, टिकट? कौन सा टिकट, कैसा टिकट? टीटी ने बोला, प्लेन का टिकट दिखा दो। खैर, उसको जैसे तैसे टीटी को मनाया, 200 रुपए में मान गया। अब आगे पहुंचते हैं, ये तीनों पता नहीं किधर गायब हुए। मैं इनको ढूंढ रहा हूं, एक उधर है। मैंने तीनों को इकट्ठा किया। अब ये वहां पहुंचते हैं, इनको चाहिए खाना। अब वहां खाने के नाम पर बासी ब्रेड पकौड़े थे। जैसे तैसे हमने खाए और हम ट्रेन पर, अब हम अपनी जर्नी पर पहुंचे। तो लास्ट